तो फ्रेंड्स, YouTube के जो नए अपडेट आए हैं उससे YouTube क्रिएटर्स का क्या अब करियर खत्म होने वाला है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर्स ये चर्चाएं कर रहे हैं कि YouTube के जो नए अपडेट आए हैं उनसे YouTube क्रिएटर्स का करियर दांव पर लग गया है, खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों YouTube क्या करता है कि अपडेट लाता रहता है, नए नए फीचर वो लॉन्च करता है, उसको देखता है, क्योंकि उसको YouTube जो है अपना बहुत ही फेमस बनाना है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहे, ये YouTube चाहता है। तो अभी जो नया अपडेट आया है उससे क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम YouTube को ओपन करेंगे तो वहां पर हम वीडियो को स्क्रॉल करके और सारे वीडियो देख सकते हैं, उसका ऑडियो बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, सब टाइटल्स को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, और वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ये जो अपडेट आया है इससे जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो काफी चिंता में हैं, काफी उनको असमंजस हो रहा है कि इसमें क्या हुआ, हमारा चैनल मोनिटाइज है लेकिन उस पर एड नहीं आएंगे और इससे हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं होगा। काफी क्रिएटर्स का मानना है कि इस तरीके से तो यूट्यूब को भी लॉस है, यूट्यूब का भी जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं होगा। साथ साथ जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स का अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो यूट्यूब का भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि स्क्रॉल करके सारे वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूट्यूब ने एक फंडा बहुत पहले अपना लिया और वो है 1,000 सब्सक्राइबर्स का और 4,000 वॉच आवर्स का। और फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है, जब तक आपके 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 वॉच आवर्स पूरे नहीं होंगे तब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर YouTube को बेनिफिट है, 45% 55% का यहाँ पर रेशियो लागू नहीं होता है, पूरा 100% जो है YouTube की तरफ जाता है, आपको इसमें रेवेन्यू नहीं मिलता है क्योंकि आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर किसको बेनिफिट हुआ, यहाँ पर YouTube को बेनिफिट हो गया दोस्तों। और फ्रेंड्स जो स्क्रॉल वाला अपडेट है वहां पर जरूर YouTube को नुकसान हो रहा है, लेकिन आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर 45-55 का रेशियो था वहां पर पूरा 100% का YouTube को बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से टोटल जो लॉस है YouTube क्रिएटर्स का है। तो बिल्कुल सही बात है कि YouTube क्रिएटर्स का जो कैरियर है वो खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। तो दोस्तों जो नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि जब तक उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वो बेनिफिट कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं, देख सकते हैं आप स्क्रॉल में, जैसे ही हम यूट्यूब पर जाते हैं और जैसे ही हम वीडियो को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाता है। वीडियो हमारा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर हमें ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, इसको हम इनेबल कर सकते हैं, इसको डिसेबल कर सकते हैं, या सबटाइटल को हम इनेबल कर सकते हैं, सबटाइटल को क्लोज कर सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को भी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको बैकवर्ड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम पूरा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो इससे हमारे एड नहीं आते हैं, और जब तक हमारे इससे एड नहीं आएंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि YouTube का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो लॉस तो दोनों को होने वाला है। लेकिन 1,000 सब्सक्राइबर्स में और 4,000 वॉच आवर्स में उसने अपना जो भी रेवेन्यू यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है वो वहां पर उसने कवर कर लिया। तो इस तरीके से यूट्यूब क्रिएटर्स को पूरा लॉस है लेकिन यूट्यूब को लॉस नहीं होने वाला है। तो ये फंडा YouTube ने पहले ही अपना लिया था, और जब उसने वहां पर अपना रिकवरी कर लिया तो यहाँ पर YouTube ने फंडा लागू कर दिया है कि आप स्क्रॉल करके कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं, और इससे बिल्कुल 100% YouTube क्रिएटर्स को लॉस होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से YouTube क्रिएटर्स को लॉस होने वाला है, YouTube को कम लॉस होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।